इस वीडियो पर तुम लोग पांच ऐसे अमेजिंग हेडशॉट ट्रिक्स जानो। अगर पांचों ट्रिक्स को तुम लोग सीख जाते हो देन तुम लोग किसी भी गन से गजब के हेडशॉट्स मार सकोगे। सो बेसिकली इस वीडियो पर होने क्या वाला है वो समझो। सो वीडियो पे एसएमजी गन्स की कुछ स्पेशल ट्रिक्स को बताई जाए। M10, 14, M187 शॉटगन और डेजर्ट ईगल जैसे गनों की हेडशॉट ट्रिक्स को भी बताई जाए। और सबसे स्पेशल तो ये है कि इस वीडियो पर तुम लोग सुपर जंप ट्रिक को भी सीख पाओ। अब इतने छोटे से वीडियो पर इतने सारे ट्रिक्स को एक्सप्लेन करूंगा तो इसके लिए एक वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। फिर मारने जाएगा तू? लेकिन जल्दी से तुम लोग अपने फेवरेट गन का नाम कमेंट में जरूर बता दो। सभी अपने फेवरेट गन का नाम कमेंट करो तो देखते हैं कि कौन विनर बनता है। एनीवेज गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1। इसका नाम है सेकंड फायर टेक्निक। इस पर तुम्हें तब तक वेट करना है जब तक कि तुम्हारा एनिमी फायरिंग ना करे। बेसिकली तुम्हें तब तक फायरिंग नहीं करना है जब तक कि तुम्हारा आगे वाला एनिमी फायरिंग स्टार्ट ना करे, क्योंकि इससे तुम्हें फायदा ये होगा कि जैसे तुम्हारा एनिमी फायरिंग करना स्टार्ट करे तो उस समय पर तुम्हारा एनिमी बिल्कुल स्ट्रेट पर खड़ा होगा। और ये चीज तुम्हें पता होगा कि जैसे ही बंदे स्ट्रेट होते हैं तो इस पर हल्का सा ड्रैग करने पर भी बंदे को हेडशॉट्स लगते हैं। इस क्लिप को तुम लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं चाहता तो पहले भी फायर कर सकता था लेकिन मैंने वेट किया, क्योंकि अगर हम पहले फायरिंग करते तो एनिमी हमें पहले हेडशॉट्स मार। और इसीलिए तुम्हें पहले फायरिंग नहीं करना है बल्कि एनिमी को फायर करने देना। और ऐसे में तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें हमेशा अपने फायर बटन को स्ट्रेट ड्रैग ही करना। मतलब कि इस ट्रिक का यूज करने पर तुम्हें अपने फायर बटन को भी स्ट्रेट ड्रैग करना है, यानी कि सीधा ड्रैग करना है। ये ट्रिक बेसिकली डेजर्ट ईगल, वुड पिकर, SKS एंड SVD जैसे गनों पर वर्क करे। सिंपली देखो, डेजर्ट ईगल जैसे गनों के लिए जो ड्रैग टेक्निक होता है वो बेस्ट होता है तुम्हारा स्ट्रेट ड्रैग। लेकिन हाँ, जब तुम लोग मिड रेंज पर हो या फिर तुम लोग लॉन्ग रेंज पर हो, क्योंकि लॉन्ग रेंज पर या फिर मिड रेंज पर ही तुम्हारा सीधा ड्रैग वर्क करता है एंड हेडशॉट्स भी लगते हैं। मगर क्यों? लेकिन जब भी तुम लोग शॉर्ट रेंज से फायरिंग करो तो यहाँ पर हमेशा तुम्हें रोटेशन ड्रैग का ही यूज करना, क्योंकि शॉर्ट रेंज पर तुम लोग अगर रोटेशन नहीं करते तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा बुलेट्स बंदे को बॉडी शॉट ही लगेंगे। इसका नाम है नूब वॉक हेडशॉट। भले ही इस ट्रिक को तुम लोग जानते हो लेकिन इसका जो रियल ट्रिक है उसको तुम्हें पता नहीं होगा। अब तुमने भी मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैंने नूब वॉक करके चार चार बंदे को हेडशॉट्स मारा। अब देखो, कुछ बंदे नूब वॉक ट्रिक को इस तरह से करते हैं। वो सिंपली अपने कर्सर बटन का यूज करते रहते हैं और करते रहते हैं। ऐसा करने से आगे वाला एनिमी तुम्हें कभी भी हेड मार सकता है और तुम लोग हार सकते हो। सो इसकी जो रियल टेक्निक है वो समझो। सिंपली तुम्हें रन करते हुए ही होना है, तुम्हें कभी भी कर्सर बटन का यूज करते हुए नहीं होना। और तुम्हें तब तक कर्सर बटन का यूज नहीं करना जब तक कि तुम्हारा एनिमी खुले में नहीं आ जाता। जैसे ही एनिमी खुले में आ जाता है देन इसके बाद तुम्हें अपने कर्सर बटन का यूज करना। लेकिन हाँ, तुम्हें अपने कर्सर बटन को नीचे यानी कि पीछे की ओर स्क्रॉल करके रखना। इससे तुम्हारा कैरेक्टर एंड तुम्हारा एम सेट हो जाता है एंड बंदे को हल्के से ड्रैग करने पर ही हेडशॉट्स लगते हैं। और जब भी तुम लोग नूब वॉक ट्रिक का यूज करो तो अपने फायर बटन को एकदम ऊपर तक ड्रैग करने की कोशिश करना, क्योंकि जितना ऊपर तक ड्रैग करोगे उतना ही अच्छे से ये ट्रिक तुम्हारे मोबाइल पर वर्क करेगी। ये बेसिकली SMG गन्स यानी कि UMP, MP40 जैसे सारे SMG गन्स के लिए हेडशॉट ट्रिक। अब देखो, तुम लोग जब भी UMP गन का यूज कर रहे होते हैं एंड इस पर क्या होता है, तुम्हारे हेडशॉट्स नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा बुलेट्स बॉडी शॉट लगते हैं। अब तुम्हारे ज्यादातर बॉडी शॉट लगने का कारण होता है तुम्हारा एम पोजीशन और तुम्हारा ड्रैग टेक्निक। अगर मैं सिंपली तुम लोगों से ये बोलूं कि तुम लोग अपने एम को बंदे के बॉडी पर इस पार्ट पर रखना, तो कभी कभी एनिमी सामने होता है तो कभी कभी एनिमी काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज पर होता है। अब अगर बंदे दूर पर होंगे तो तुम लोग अपने एम को सेट कभी भी नहीं कर पाओ। और इसीलिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, स्कोप को इन एंड आउट करना है। मतलब कि फायरिंग करने से पहले सिंपली तुम्हें अपने एम को बंदे के आसपास रखने के बाद अपने स्कोप को इन एंड आउट करना। इससे अपने आप ही तुम्हारा एम बंदे के परफेक्ट पोजीशन पर सेट हो जाएगा। अब नहीं मारेंगे। और जिनको विश्वास नहीं हो रहा वो सिंपली देख, अब मैं यहाँ से अपने स्कोप को इन एंड आउट करता हूँ तो मेरा जो एम था वो ऑटोमेटिक से बंदे के इस पार्ट पर सेट हो गया। अब सिंपली मैं थोड़ा सा दूर आ चुका है एंड यहाँ से मैं फिर से अपने स्कोप को इन एंड आउट करता हूँ एंड यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि मेरा जो एम था एंड सेम पोजीशन पर सेट हुआ। यानी कि हम लोग किसी भी पोजीशन से अगर इस ट्रिक का यूज करें तो ऑटोमेटिक से एम परफेक्ट पोजीशन पर सेट हो जाएगा। देन अब बात करते हैं तुम्हारे ड्रैग टेक्निक। अब देखो, कुछ बंदों को क्या लगता है कि रोटेशन ड्रैग सिर्फ डेजर्ट ईगल या फिर शॉटगन पर ही वर्क करती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि UMP जैसे SMG गन्स पर भी रोटेशन ड्रैग वर्क करती, अगर विश्वास नहीं हुआ तो इस क्लिप को देखो। यहाँ पर मैंने UMP गन का यूज किया एंड यहाँ पर रोटेशन ड्रैग किया लेकिन बंदे को फिर भी हेडशॉट्स लगा। सिंपली रोटेशन ड्रैग का यूज करने से UMP से गजब के बहुत ही सिंपली हेडशॉट्स लगते हैं।
अब तुम लोग बोलोगे कि अगर MP40 गन पर स्कोप तो है ही नहीं तो फिर हम लोग अपने एम को सेट कैसे करें? तो सुनो, MP40 गन की एक्यूरेसी UMP गन से कम होती है। इस कारण से तुम्हारा एम अगर इधर उधर भी रहता है तो हल्के से ड्रैग पर भी हेडशॉट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसीलिए तुम लोग MP40 गन पर अपने एम को रेड करना एंड अपने ड्रैग टेक्निक को रोटेशन ड्रैग का यूज करना। यह है बेसिकली एक सुपर जंप ट्रिक। इस ट्रिक का यूज करके तुम लोग डिजर्ट ईगल शॉट गन या फिर सारे वन टैप गनों पर मिड रेंज या फिर शॉर्ट रेंज पर बहुत ही ज्यादा आसानी से हेडशॉट्स मार पाओ। तो देखो, जब भी तुम लोग वन टैप मारते हो तुम लोग क्या करते हो, सिंपली फायरिंग करते हैं, वन टैप मारने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर तुम लोग शॉर्ट रेंज या फिर मिड रेंज पर हो तो सिंपली फायरिंग करने से पहले तुम्हें अपने स्विच बटन एंड जंप बटन को एक साथ पर प्रेस करना। अब ऐसा तो सारे बंदे करते हैं, ऐसा तुम लोग भी करते हो, लेकिन तुम्हारे हेडशॉट्स क्यों नहीं लगते? तो इसका सही कारण है कि तुम लोग सही टाइमिंग पर इसका यूज नहीं करते। मतलब कि जैसे तुम लोग स्विच एंड जंप बटन का यूज करते हो तो तुरंत से तुम्हें फायरिंग नहीं करना। तुम्हारा कैरेक्टर जब जंप करता है तो सबसे पहले कैरेक्टर का एक पैर नीचे आता है एंड एक पैर नीचे आने के बाद तुम्हारा दूसरा पैर इसके बाद नीचे आता है। तो तुम्हें वेट करना है कि तुम्हारा पहला पैर जैसे नीचे सटने वाला हो, देन तुम्हें अपने फायर बटन को प्रेस करके फायरिंग करना। और जैसे तुम लोग फायर कर लेते हो तुरंत से तुम्हें अपने स्विच बटन एंड रन बटन का यूज करना, तभी जाकर तुम्हारे गजब के हेडशॉट्स लगेंगे, चाहे तुम लोग कितना भी ज्यादा शॉर्ट रेंज पर हो। सिंपली तुम्हें सुपर जंप ट्रिक का यूज करने के लिए तुम्हें अपने जंप बटन को अपने लेफ्ट साइड पर लाना होगा और जहां भी तुम लोग अपने स्विच बटन को रखो उसके आसपास ही तुम्हें अपने जंप बटन को भी रखना होगा।